नमस्कार दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग सपोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर अभिषेक सिंह। दोस्तों, अगर आप घर बनवा रहे हैं, 3 से 4 मिनट का ये वीडियो होने वाला है। इतना डिटेल में दोस्तों मैं आपको कॉलम की मजबूती से रिलेटेड ये वीडियो होने वाला है। फ्रेम्ड स्ट्रक्चर घर में कॉलम और बीम को अगर आपने मजबूत कर लिया दोस्तों, ब्रिकवर्क 19-20 भी होगा, आगे चल के उसको देखा जा सकता है। ना ही तो उसमें बहुत ज़्यादा खर्च लगेगा और ना ही तो दोस्तों उससे किसी प्रकार की कोई परेशानी आने वाली है, स्ट्रक्चर में आपके किसी प्रकार की कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। लेकिन दोस्तों, कॉलम अगर आप बनवाते समय आपने ध्यान नहीं दिया तो ये चीज़ें बाद में बहुत लंबा खर्चा भी बनाता है दोस्तों, और साथ ही साथ हमारे परिवार के सेफ्टी के साथ भी एक खिलवाड़ सा हो जाता है। तो चलिए मैं बताता हूँ दोस्तों, कॉलम को मजबूत किस तरीके से बनाना है। खर्च तो हर कोई करता है, खर्च करने में किसी प्रकार की कोई लोग कमी नहीं करते दोस्तों। मिस्त्री भी अपना जी जान लगा देता है कि सही तरीके से काम किया जाए, लेकिन दोस्तों जानकारी के अभाव में ही सही कहीं कहीं पे गलतियाँ होती है, और उसी गलती को सुधारने के लिए दोस्तों, या फिर ऐसी कोई गलती ना हो, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं कॉलम में। आप देख सकते हैं यहाँ पर 6 सरिये का एक कॉलम है, ठीक है। और कॉलम आप देखेंगे कि थोड़ा सा ऊपर जाकर डिसकंटिन्यू हो गया, ठीक है। अब इसमें दोस्तों एक नया सरिया जो है वो जोड़ने की आवश्यकता होती है। हर एक साइड पर, हर एक बिल्डिंग में यही कहानी चलता है, ठीक है। ऐसे में दोस्तों इसको सही तरीके से जोड़ा जाए, मतलब कि अगर दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूँगा एग्जांपल के तौर पे, ये सरिया देख सकते हैं दोस्तों, सिंगल सरिया नीचे से आया हुआ है, यहाँ पे आकर के डबल हो गया। कुछ दूर चलने के बाद में दोस्तों ये सरिया फिर से सिंगल हो गया, ठीक है। अब दोस्तों ये एक जो सरिया नीचे से आ रहा था वो यहीं पर आके ख़त्म हो गया। जो नया सरिया है दोस्तों, उसको लैपिंग दे करके इस तरीके से लगाया गया है। तो ये जो लैपिंग लेंथ है, एक सरिया दूसरे सरिया के ऊपर कितना ज़्यादा ओवरलैप करेगा, अगर बहुत ज़्यादा कर देते हैं वेस्टेज ऑफ मनी है, ज़्यादा खर्च होगा आपका बिना कारण के। दोस्तों आप अगर पैसे खर्च कर रहे हैं तो उसको सही नहीं माना जा सकता है, ठीक है। जितना अलाउड है या फिर जो दोस्तों हमारा रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से करना चाहिए। अगर दोस्तों यही लैपिंग को अगर कम दे दिया जाए तो वो भी गलत है, समय आने पर दोस्तों ये अपना रंग दिखाई देगा, ठीक है। इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। दोस्तों आपने देखा होगा इस तरीके से ढलाई से पहले एक रिंग बांधा जाता है, उसका भी अपना एक महत्व है। और दोस्तों आप देखेंगे कि ये जो रिंग लगाया गया है ना, इसका भी अपना एक तरीका होता है, अपना एक महत्व होता है। पहले लैपिंग लेंथ देख लेते हैं दोस्तों। ये जो लैपिंग लेंथ है ना, इसके लिए एक बहुत ही छोटा सा थंब रूल आपको देने जा रहा हूँ, थोड़ा सा फॉर्मूला है दोस्तों। आप लैपिंग के समय हमेशा इस्तेमाल करेंगे 50D, ठीक है। 50 तो कॉन्स्टेंट है, आप जान ही रहे होंगे। डी का मतलब होता है दोस्तों डायमीटर ऑफ बार, ठीक है। मतलब जो सरिया है कितना mm का है, 10 mm का सरिया, 12 mm का सरिया, 16 mm का सरिया, तो उसको डायमीटर ऑफ बार कहते हैं, ठीक है। कॉलम में कम से कम जो सरिया इस्तेमाल होगा दोस्तों वो 12 mm का होगा, या फिर 12 mm से आप ऊपर 16 mm, 20 mm कर सकते हैं, ठीक है। कम से कम 12 mm का आपको सरिया इस्तेमाल करना है। अब दोस्तों आपको 50D किस तरीके से निकालना है, जैसे कि 16 mm का सरिया है, 50D करेंगे ना, 16 को अगर 50 से गुना करेंगे तो वो 800 mm आ जाएगा। 800 mm को अगर दोस्तों इंच में कन्वर्ट करेंगे तो वो लगभग मैं बता रहा हूँ दोस्तों 32 इंच के करीब आएगा, ठीक है। 16 mm का सरिया है, आपको जो है वो 32 इंच लैपिंग देना है, मतलब एक कॉलम से जितना भी सरिया निकल रहा है दोस्तों, सब में कहीं ना कहीं जा करके आपको ज्वाइंट देना ही है, ठीक है। और एक चीज़ का आपको ध्यान देना है कि जो लैपिंग दिया जाएगा दोस्तों, वो 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब इसका क्या मतलब है, ये भी बहुत ही आपके ही भाषा में समझाता हूँ दोस्तों। मान लीजिए यहाँ पे इस वाले कॉलम में पूरे 6 सरिया है, ठीक है। अब 6 सरिया का 50% कितना होगा, 3, मतलब 6 सरिया का आधा कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। मतलब 3 ही सरिया में दोस्तों आप देख सकते हैं कि लैपिंग एक जगह देना है, ठीक है। चलिए मैं उस वाले में आपको समझाता हूँ, उस वाले में किया गया है, ठीक है। अब देख सकते हैं इसमें दोस्तों जैसे कि 8 सरिया, ठीक है, 8 सरिया का 50% हो गया 4, 4 ही सरिया में आपको एक जगह लैपिंग देना है। देख सकते हैं यहाँ से लैपिंग स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे ख़त्म हो गया, ठीक है। फिर दोस्तों आप देखेंगे यहाँ से स्टार्ट हो गया है ये वाला, यहाँ पे ख़त्म हो गया, ठीक है। और जहाँ पे 4 सरिया में लैपिंग ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद दोस्तों अगला जो लैपिंग होगा उसको आपको स्टार्ट करना है, बाकी जो 4 सरिया होंगे, ठीक है। और फिर दोस्तों सरिया को इस तरीके से काटना है, ये देख सकते हैं यहाँ पे कटिंग बहुत ही गलत की गई है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से कटिंग आपको करना है कि 50% ही सरिया में एक जगह लैपिंग आए, मतलब कि 16 mm का जब सरिया आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको पता है कि हमें 32 इंच के करीब में लैपिंग देना है दोस्तों। तो ये तो दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ पे 4 सरिया में जो है वो लैपिंग दिया जाएगा, उसके बाद दोस्तों 32 इंच
कम से कम ऊपर तक दोस्तों सरिया नहीं रहेगा तो उसमें लैपिंग किस तरीके से देंगे, ये चीजें होती है और इस तरीके से डिसाइड होता है। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में मास्टरिंग के बारे में कुछ बात की थी दोस्तों, चलिए मैं आपको बताता हूँ। ढलाई के समय ये मास्टरिंग जरूर दिलवा लीजिए, हर एक कॉलम में देना जरूरी है दोस्तों। ये काम क्या करता है, ठीक है, कि ये क्या करता है दोस्तों, जब ढलाई होता है ना तो सरिया को उसके जगह पे बनाए रखता है। इसको सरिया को दोस्तों दाएं बाएं अगर होने दिया जाए तो जब सरिया को दोस्तों ऊपर कॉलम को एक्सटेंड करना होगा दोस्तों, तो उस समय क्या होगा, ये इसमें जॉगल वगैरह लगाना होगा, जिससे दोस्तों ये अपना जगह भी भटक जाएगा। इससे दोस्तों वर्टिकली ये लोड को ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ से कोई लोड आ रहा है दोस्तों और यहाँ से दोस्तों पुराना कॉलम स्टार्ट हो रहा है, तो यहीं पर आके ये ख़त्म हो जाएगा दोस्तों, ग्राउंड तक नहीं जाएगा। ऐसे में ये चीज़ें जो है वो काम लायक कॉलम ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसलिए ये मास्टरिंग देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत से लोग दोस्तों रिंग को लेकर के भी परेशान रहते हैं कि कॉलम में किस तरीके का रिंग बनाया जाए। जो कॉलम टाई है दोस्तों, कुछ इस तरीके से आप डिसाइड कर सकते हैं। अगर दोस्तों चार सरिये का कॉलम है, सिंगल रिंग काफ़ी है। छः सरिये का कॉलम है दोस्तों, आप अल्टरनेट में भी दोस्तों डबल रिंग इस तरीके से दिलवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपका कॉलम जो है वो आठ सरिये वाला है, तो इस तरीके से डायमंड रिंग दिलवाना, ये डायमंड रिंग है, ठीक है, ये डायमंड रिंग है। चूँकि शेप देख सकते हैं दोस्तों, ये डायमंड का, इसलिए इसको डायमंड रिंग कहा जाता है। हुक लेंथ मैंने पहले ही आपको डिस्कस कर लिया है दोस्तों, और साथ ही साथ जो हुक का एंगल रहेगा दोस्तों 135 डिग्री रहेगा। ये चीज़ें हो गई, ठीक है, और इसको भी अल्टरनेट रखना, ठीक है। एक हुक आपका यहाँ पे है, ये जॉइंट है ना, इसको मैं हुक बोल रहा हूँ, ठीक है। तो दूसरा वाला जो जॉइंट रहेगा, हुक रहेगा, वो यहाँ पे रहेगा, ठीक है, इस तरीके से। और ये भी जो हुक है दोस्तों, ये 135 पे होना चाहिए, और ये भी दोस्तों अल्टरनेट होना चाहिए। मतलब यहाँ पर एक हुक है तो अगला जो हुक होगा वो दोस्तों उस कॉर्नर पर होना चाहिए, फिर इस वाले कॉर्नर पर होना चाहिए, फिर इस वाले कॉर्नर पर होना चाहिए। इस तरह से दोस्तों अल्टरनेट रखिएगा। दोस्तों मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ कि थोड़ा सा 19-20 होगा तो आपका बिल्डिंग गिर जाएगा, लेकिन बिल्डिंग को हमें इस तरीके से अगर खर्च करके बनवा रहे हैं दोस्तों, तो आपको इस तरीके से बनवाना है कि बिल्कुल जो है वो विपरीत परिस्थिति में भी हमारी बिल्डिंग बिल्कुल टिका रहे दोस्तों, और हम उस घर में सुरक्षित रहें। दोस्तों बहुत कुछ अभी बताना है, ऑलरेडी 7 मिनट का वीडियो हो चला है, मैं सोच रहा था 3 मिनट में इसको ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। तो जानकारी और भी है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दूसरे पार्ट में आने वाले हैं। और कॉलम कास्टिंग समय दोस्तों हमेशा आपको कवर ब्लॉक का इस्तेमाल करना है, कवर का हमेशा आपको इस्तेमाल करना है अपने कॉलम में, बीम में, या फिर जो भी कास्टिंग करते हैं, ढलाई करते हैं, उसमें कवर का इस्तेमाल आपको करना ही है। फिर मिलता हूँ दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, किसी प्रकार कोई जानकारी चाहिए, एक्स्ट्रा जानकारी, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आप हमें इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।